हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर चैनल। चलिए आज अपन टॉप करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर का पार्ट वन देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले करंट अफेयर को देखते हैं। तो हाल ही में एससीओ का समिट कहाँ हुआ है? समरकांड उज्बेकिस्तान में हुआ है। ये समिट क्या है, तो क्या होता है ये सब? एससीओ एक ग्रुप है जो कि चाइना का है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है, सेक्रेटेरिएट है, वो बीजिंग में। अब इसमें क्या होता है, इसके जो भी मेंबर कंट्री है वो समय समय पर मिलते हैं और आपस में जो भी उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी वाद विवाद है, उनको डायलॉग के माध्यम से, उनको कंसल्टेशन के माध्यम से या इंटरेक्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिना वॉर, बिना कोई फोर्स आर्मी को यूज करें। तो एक तरीके से बातचीत का मंच है दोस्तों। अब देखिए इसके हर हर बातचीत के मंच के या ऐसे समिट के क्या होते हैं, कुछ आउटकम होते हैं। तो अपन इसके की हाईलाइट ऑफ द समिट देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया, समरकांड में हुआ है तो वहां कोई ना कोई डिक्लेरेशन निकला होगा जिसे मेंबर ने साइन किया होगा। फिर यहाँ पे ये बात हुई है कि अपन जो भी अपने बीच में कॉन्फ्लिक्ट है मेंबर्स के बीच में, या जो भी एक एक दूसरे के ओपिनियंस अलग अलग है, उनको संवाद के माध्यम से या डायलॉग या कंसल्टेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। फिर यहीं पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एससीओ एक ग्रुप है तो उसकी कई बॉडी होती है, तो उसकी एक बॉडी है जो इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो ये डिसाइड करती है कि किसी कंट्री को इसका मेंबर बनाना है नहीं बनाना है, या किसी कंट्री को इसके डायलॉग पार्टनर का स्टेटस देना है कि नहीं देना है। तो आप पढ़ सकते हैं कि अभी ईरान और बेलारूस को मेंबर बनाने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया गया, और इन बाकी जो कंट्री है इनको डायलॉग पार्टनर बनाया जा रहा है। ये डायलॉग पार्टनर बनेंगे, उसके बाद आगे जाके मेंबर बनेंगे। तो आप यहाँ बॉडी को जरूर रीड कर लीजिएगा। चलिए आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। और भी की हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट क्या है, तो मैंने जैसे बताया कि फॉर एग्जांपल एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर टेररिज्म पे बात हुई, टेररिस्ट में बात हुई, तो उन्होंने बोला कि अपन एक यूनिफाइड लिस्ट बनाएंगे जिसमें टेररिस्ट और उनके ऑर्गेनाइजेशन के नाम होंगे, और वो टेररिस्ट जो होंगे वो एससीओ मेंबर के जो एरिया है उसके अंदर अपनी कोई भी एक्टिविटीज को नहीं कर सकते और वो उन एरिया में बैन होंगे दोस्तों। तो इससे क्या होगा, टेररिस्ट को कहीं ना कहीं टेररिज्म को रोकने की अच्छी कोशिश है और अच्छी पहल है। फिर इंडिया का क्या स्टैंड है समरकांड में, इंडिया से रिलेटेड कौन से पॉइंट है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो वाराणसी है अपनी, वाराणसी जहां से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव तो लड़े थे और जीते भी थे, तो वाराणसी वॉज डिक्लेयर्ड एज द एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। तो अब इससे क्या होगा, तो भारत में टूरिज्म बढ़ेगा जिसके कारण भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा, अपना जो कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज है वो शेयर्ड होगा। और तीसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही अपने एससीओ के मेंबर के साथ क्या है, अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडिया क्या किया है। अब इंडिया ने अगले साल 2023 में एससीओ का जो समिट होगा उसकी प्रेसिडेंसी ले ली। अब इंडिया क्या करेगा, उसको समिट को ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं अपन की एससीओ क्या है। तो एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2001 में क्या हुआ था, बनाया गया था, स्टेब्लिश हुआ था, चाइना ने बनाया था, है ना। इसके 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे, आप रीड कर सकते हैं, है ना। और पूछा जा सकता है आपसे कि रेड्स इज रिलेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको याद रखना है एससीओ। रेड्स क्या है, तो इनका एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है, एक तरीके से टेररिस्ट के खिलाफ या सिक्योरिटी और डिफेंस के उस पे डिफेंस पे कार्य करता है दोस्तों, वर्क करता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस की हाइलाइट्स ऑफ द एससीओ समिट 2022, है ना। डिस्कस द की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एससीओ समिट 2022। अब आ जाइए, आप हिंदी में भी अब देखिए। दूसरी न्यूज है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। तो ये जो मिशन है बेसिकली किस लिए है, जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं, जैसे टेक्निकल फैब्रिक्स होते हैं, अभी आगे मैं उनकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारी जो इंडस्ट्री होती है, जब इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारे उद्योग लगते हैं, और उद्योग में क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए या एटसेट्रा अन्य किसी मुद्दे के लिए क्या होता है, बहुत सारे टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने कोरोना में देखा होगा कि जब कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग हो रही थी या इंजेक्शन लग रहे थे, तो एक कोरोना का सूट था, तो जो कोरोना का सूट है वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि उनको कोरोना ना हो जाए, वो जो सूट है उसको भी कहीं ना कहीं टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहा जा सकता है। तो इंडिया ने एक मिशन स्टार्ट किया है टेक्निकल टेक्सटाइल का। तो इस टाइप के जो उद्योग हैं जो टेक्निकल टेक्सटाइल बनाते हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, और उनको बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो बेसिकली ये मिशन किस लिए है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, आप देख रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने क्या किया है, अभी हाल ही में 23 ऐसे प्रोजेक्ट है 60 करोड़ के, जिनमें क्या किया है, टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को बढ़ावा देने की कोशिश की है, जैसे स्पेशलिटी फाइबर्स, और आप रीड कर सकते हैं। अब देखिए आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि टेक्निकल टेक्सटाइल आर डिफाइन एज टेक्सटाइल मटेरियल एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरी फॉर देयर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टी रेदर देन एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी सुंदरता या उनके डेकोरेशन के कारण ये नहीं, इसलिए इसको यूज किया जाता है, उनकी फंक्शनैलिटी के कारण। वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो गाड़ी होती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, वहां पे जो टेस्टिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं काम आते हैं। आपकी गाड़ी के जो आपने एयरबैग्स देखे होंगे, सीट बेल्ट देखे होंगे, है ना, आपने एयर
एयरप्लेन के सीट्स देखे होंगे, ये सब क्या है, टेक्निकल टेक्सटाइल के उदाहरण है, बाकी आप यहाँ रीड कर लीजिएगा। और टेक्निकल टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट है उनको 12 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे मोबाइल टेक, मेडिटेक, और ये सब आप रीड करके और यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब चलिए अबाउट द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन देखते हैं, कब शुरू किया गया था, है ना, कि और कितने रुपए का था या कितने करोड़ रुपए से स्टार्ट किया गया था, इसका एम क्या है, वो सब देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2020 में क्या किया था, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन किया था, 1480 करोड़ रुपए के साथ स्टार्ट किया था, है ना। उसके बाद इसका एम क्या था, टू मेक इंडिया अ लीडर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल ग्लोबली। मैंने आपको बताया कि अपने यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल का पर प्रोडक्शन करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। और क्या है, जो वेस्ट के देश है, वेस्ट यूरोप है, यूएसए है, वो टेक्निकल टेक्सटाइल में बहुत आगे हैं, और जैसे जैसे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो टेक्निकल टेक्सटाइल की और मांग बढ़ेगी। तो अपन डोमेस्टिक लेवल पे भी, भारत के लेवल पे भी टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा दें और उसका ज्यादा से ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट भी करें। और ये मिशन 4 साल के लिए था, 2020 से 2024 तक के लिए, और इसके 4 कंपोनेंट है, इसके इंप्लीमेंटेशन के कितने कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, आइए अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला कंपोनेंट क्या करता है, आप देखिए कोई भी मिशन होगा, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, टेक्निकल टेक्सटाइल की अपन रिसर्च करेंगे, उसमें और नए नए क्या करेंगे, तकनीकों को इजाद करेंगे, है ना, नए नए क्लॉथ्स पे रिसर्च करेंगे कि कौन कौन से टेक्निकल टेक्सटाइल अपन बना सकते हैं, उन पे रिसर्च करेंगे। तो पहला फेस हो जाएगा रिसर्च का। दूसरे फेस में अपन क्या करेंगे, जब अपनी रिसर्च पूरी हो जाएगी तो अपन उसके लिए मार्केट में क्या करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे, उसका प्रमोशन करेंगे, कंपनी लगाएंगे, जब कंपनी भी लग जाएगी उसके बाद अपन उसका एक्सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं। और जब सारी चीजें हो जाएंगी तो अपन ने यदि टेक्निकल टेक्सटाइल बना लिए हैं या उनको बनाना चाहते हैं, तो अपन अपने एजुकेशन के लेवल पे ऐसे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे या स्किल देंगे ताकि वो आगे आके टेक्निकल इंडस्ट्री से जुड़े। तो इस तरीके से इसके 4 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और इन सारे एरिया में क्या किया जा रही है, रिसर्च की जा रही है। फिर उसके बाद सेकंड कंपोनेंट क्या है, इसका क्या करना है, अपन को प्रमोशन और डेवलपमेंट करना है और मार्केट में इसको बढ़ावा देना है। और अपना एवरेज है कि अपन 15-20% हर साल 2024 तक क्या करें, इसका एवरेज ग्रोथ रेट को बढ़ा दें, है ना, अभी 8-9% के आसपास है। उसके बाद आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन थर्ड कंपोनेंट, जैसा मैंने आपको बताया क्या करना है, फिर एक्सपोर्ट करना है। तो आप यहाँ एक्सपोर्ट देख सकते हैं, कितना फिगर है वो सब मैंने आपके लिए दे दिया, और कितना एवरेज ग्रोथ रखनी है आप रीड कर लीजिएगा। और लास्ट कंपोनेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि जब टेक्निकल टेक्सटाइल की यदि इंडस्ट्री लग जाएगी, अपन को प्रोडक्शन करना है, तो उसमें काम करने के लिए लोग चाहिए, और लोग कैसे आएंगे, जब उनको ग्रेजुएशन के लेवल पे, मास्टर्स के लेवल पे एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल दी जाएगी। तो फोर्थ कंपोनेंट इस चीज पे फोकस करता है, और यहाँ देख लीजिए लिखा हायर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू टेक्निकल टेक्सटाइल और इस एप्लीकेशन एरियाज। तो इस तरीके से अपना सेकेंड करेंट अफेयर भी कंप्लीट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन इन डिटेल, इस तरीके से हो सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, असिस्टेड सुसाइड एंड इथेनेशिया। तो ये आपकी एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असिस्टेड सुसाइड और इथेनेशिया अप्रॉक्सीमेटली दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। असिस्टेड सुसाइड में क्या होता है, कोई फिजिशियन या डॉक्टर, है ना, जो पेशेंट है उसको सलाह दे देता है और फिर वो ड्रग के माध्यम से अपने जीवन को त्याग देते हैं, ना। उसी तरीके से इथेनेशिया क्या है, इथेनेशिया में जो डॉक्टर और फिजिशियन है वो क्या करते हैं, अपने खुद ही इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, और वो जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है, या सॉरी जो पेशेंट है, उसको क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो अपनी मृत्यु को ग्रहण करते हैं। तो अभी हाल ही में जीन लुक गोटार्ड है, ये कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, इनके असिस्टेड सुसाइड को ग्रहण किया है, इसलिए टॉपिक क्या है, चर्चा में। अब इथेनेशिया क्या होता है, तो देखिए इथेनेशिया का जो मतलब है या मीनिंग है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, या ऐसी बीमारी है उसको जो ठीक नहीं हो सकती है, है ना, या वो बहुत ज्यादा क्या है, फिजिकली और मेंटली अपने आप को हरेस महसूस कर रहा है, उसे लगता है कि अब बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो उस केस में वो इथेनेशिया को ग्रहण कर सकता है। तो इथेनेशिया एक तरीके से क्या है, ड्राइव्ड बाय ग्रीक से, जिसका अर्थ होता है गुड डेथ, गुड डेथ। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ हिंदी में देख सकते हैं। अब इथेनेशिया भी दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब फॉर एग्जाम्पल यदि कोई पेशेंट है, उसको अपन पेशेंट को ड्रग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट किया उसको ड्रग किसी ने, और वो उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये एक्टिव है, बाहर से अपन ने इंजेक्ट किया ड्रग और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मान लीजिए कोई पेशेंट है वेंटिलेटर पे, फॉर एग्जांपल, तो उसका ऑक्सीजन हटा देना, तो इस तरीके की चीजें पैसिव इथेनेशिया में आती है। और भारत में सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट में पैसिव इथेनेशिया को सही माना है, तो भारत में पैसिव इथेनेशिया अलाउ है। ये आगे देखते हैं, अब ये यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसके पक्ष और विपक्ष, मतलब फेवर में और अगेंस्ट में आर्गुमेंट। तो देखिए फेवर में ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, यदि कोई व्यक्ति को ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है, इससे उसका फिजिकल और मेंटली क्या हो रहा है, हरेसमेंट हो रहा है, तो इस कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ के
अकॉर्डिंग इसको सही माना जाता है। दूसरा और एडवोकेट इसमें ये बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो व्यक्ति जो चाहता है उसको वो मिलना चाहिए, तो ये भी अलाउ है। तीसरा रिसोर्सेज, यदि मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, अपने आप वैसे भी हॉस्पिटल की कमी रहती है, डॉक्टर्स की कमी रहती है, अब पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, तो जो पेशेंट आगे लाइफ परस्यू नहीं करना चाहते और जो करना चाहते हैं, तो अपने जो रिसोर्सेज है जो करना चाहते हैं उनकी तरफ लगाया जाए, तो रिसोर्सेज की बात होती है। लेकिन कुछ अगेंस्ट में भी आर्गूमेंट होते हैं कि अभी प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है, इंडोनेशिया को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, कई लोग जिन जो जीना चाहते हैं उनको भी हो सकता है गलती से बाय मिस्टेक उनकी भी मतलब डेथ हो जाए, वो ग्रैंड कर ले, उनको उनकी मतलब उनकी मेंटली हालत उतनी अच्छी नहीं होगी, क्या करना और क्या नहीं, तो ये रेगुलेशन के पॉइंट हो जाता है। रिलीजियस आर्गुमेंट्स भी हैं कि कई जो रिलीजन है उसमें सुसाइड को गलत माना गया है, यूथनेशिया को गलत माना गया है ना, तो इस तरीके से आप इनके फेवर में और अगेंस्ट में दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट योर ओपिनियन ऑन यूथनेशिया, इस टाइप से आपसे मीन्स में पूछा जा सकता है, या आप हिंदी में भी। तो चलिए पहले करंट अफेयर पर डिस्कस करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन मॉनसून। तो देखिए जैसे कि आपको मालूम होगा ये अर्थ है ना, इस अर्थ में क्या होता है, 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, और आपको मालूम है कि मॉनसून कैसे आता है, जो अपना जो इंडिया है, इंडिया यहाँ पे है, तो इंडिया क्या होता है, इंडिया पे क्या होता है, सब सन आता है, सन मूव करता है इंडिया की तरफ, तो इंडिया में जो होता है ITCZ जो है इंडिया में दिल्ली वाले रीजन पे क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण यहां से विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भारत की ओर चलती है, और भारत में क्या होता है, मानसून आता है। ये अभी आपके लिए शॉर्ट में था, ज्योग्राफी में और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, अभी करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया। तो क्या होता है, मानसून आ जाता है, तो अभी हो क्या रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण इस मॉनसून पे नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम में इंटेंस रेनफॉल हो रहा है। मतलब पहले रेनफॉल मान लीजिए 30 दिन में होता था, ये एग्जांपल है, तो अब रेनफॉल 10 दिन में ही रेनफॉल पूरा हो जाता है और बहुत ज्यादा हो जाता है, तो शॉर्ट टाइम में इंटेंस रेनफॉल हो जाता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट इसके कारण नेगेटिव इंपैक्ट ये हो रहा है कि जहां पे सूखा पड़ता है, नहीं पड़ता था, वहां भी क्या होने लगा, ड्राउट पड़ने लगा, और ड्राउट बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए पड़ने लगा है, तो शॉर्ट टाइम में इंटेंस रेनफॉल हो रहा है और लॉन्ग क्या हो रहा है, ड्राउट पड़ रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, भारत की जितनी भी फसलें हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि राइस है, तो उस पर क्या हो रहा है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके न्यूट्रिशन जो वो प्रोवाइड करती है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। यदि इन सब चीजों पर यदि मानसून लेट आएगा या मानसून बहुत कम समय बहुत ज्यादा बारिश कर देगा, तो इसके कारण क्या होगा, बाढ़ भी आएगा, फ्लड भी होगा, जैसे आपने देखा होगा अभी बांग्लादेश में, इंडिया में, साउथ चाइना मतलब साउथ एशिया वाले रीजन में बहुत ज्यादा फ्लड आ रहा है। तो ये सब का कारण कहीं ना कहीं क्या है, क्लाइमेट चेंज है, जो मानसून पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। इसके कारण फूड सिक्योरिटी का भी क्या होगा, मुद्दा उठेगा कि फूड सिक्योरिटी, जब आपके पास खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी बिगड़ जाएगी और खाना जो फूड है वो उतना अपन नहीं कर पाएंगे, राइस का प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा, तो इसके कारण कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपकी फूड सिक्योरिटी पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट इसी बारे में बता रही है। तो अभी क्या हुआ, रिसेंट स्टडी हुई है जिसने बताया है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसने मानसून को नेगेटिवली इंपैक्ट किया है, जिसके कारण देख लीजिए मैंने आपको बता दिया लॉन्ग ड्राई पीरियड और शॉर्ट स्पेल्स ऑफ हैवी रेन्स हो रहे हैं, है ना। जैसे इस रिपोर्ट बता रही कि 2022 था वो 1902 जो के बाद दूसरा ऐसा ईयर था जिसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स घटित हुए हैं, जिसमें फ्लड आए हैं, ड्राउट हुआ है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया, आप यहां हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं अपन की चेंजेस इन मॉनसून ट्रेंड, जो आपका मॉनसून है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया फ्लक्चुएशन इन मॉनसून, इंक्रीज हो रहा है फ्लक्चुएशन इन मॉनसून। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है, अर्थ में आपको मैंने बताया जो अपना ITCZ होता है वो पहले दिल्ली वाले एरिए में, दिल्ली हरियाणा वाले एरिए के आसपास रहता था, अब वो क्या हो गया कि थोड़ा साउथ की तरफ मूव कर गया है, तो जिसके कारण जो आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इनमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेस में रेनफॉल हो रहा है, जबकि वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार जहां रेनफॉल होता था वहां जो नॉर्मल रेनफॉल होता था उससे कम रेनफॉल रिसीव हो रहा है, तो इंक्रीज इन फ्लक्चुएशन इन मॉनसून हो रहा है ना। आपका जो लो प्रेशर और डिप्रेशन है, जो ITCZ मैंने आपको बताया, वो साउथ की तरफ मूव कर गया है, और यहां ये भी देखने को मिला है कि जो हाफ लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी है उसमें रेनफॉल क्या हो रहा है, बहुत लेस फ्रीक्वेंट हो गया, बहुत कम हो रहा है, जबकि मोर इंटेंस हो रहा है इंडिया में, मोर है ना, समझ रहे ना आप, मॉनसून रेनफॉल बिकम लेस फ्रीक्वेंट बट मोर इंटेंस, मतलब आपको मालूम है जैसे 10 भी मैंने बताया 30 दिन के लिए आता था, तो वो 10 दिन के लिए ही आ रहा है, और 10 दिन में जितना आता था उससे ज्यादा पानी गिर जा रहा है, जिसके फ्लड वगैरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये की चेंजेस होगा, यहाँ आप मानसून के रुझान में अहम बदलाव भी देख सकते हैं। फिर आ जाता है, आप देखिए इन सब का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, इसके कारण क्या होगा, आप देखिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेन्स का, और टेम्परेचर बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और आपको मालूम है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो पेस्ट अटैक और डिसीजेज होती है, क्योंकि इनके लिए अनुकूल स्थिति हो जाती है, फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। इसी के कारण मैंने आपको बताया खारिफ आउटपुट में भी क्या होगा, मे कीप राइस प्राइसेज एट एलिवेटेड लेवल, मैंने आपको बताया यदि प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड और सप्लाई का चक्र बिगड़ जाएगा, उसके कारण क्या होगा, प्राइस बढ़ने लगेंगे, कम होने लगेंगे, इस टाइप की घटनाएं होने लगेंगी। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होगा, यदि आपको
आपको मालूम है क्लाइमेट चेंज बेसिकली क्या है, मैं आपको इजी वे में बताता हूँ। क्लाइमेट चेंज जो है, जैसे इस एरिए के यदि आप जो वेदर है उसका एवरेज निकालेंगे 30 से 35 ईयर्स का, तो उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, है ना। तो अब ये जो 30 से 35 ईयर में जो यहाँ पे वेदर रहता था उसमें बहुत सारे चेंजेस होने लगे, उसके कारण ही होता है क्लाइमेट चेंज, और उसी के कारण हो रहा है मॉनसून पे नेगेटिव इंपैक्ट, जिसके कारण क्या हुआ, क्वालिटी और क्वांटिटी भी बिगड़ गई, और आगे जाके आपको फूड सिक्योरिटी में भी क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम होगी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन मॉनसून, और आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ पढ़ते हैं, यहाँ हिंदी में भी करंट अफेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।